पापा दरवाजा खोलने लगी है, सलमान बाहर घूम रहा है। कौन? फोन भी नहीं मिल रहा। किसा दोनों गड्डिया खलोती है, वो कितने चला गया? कमल आपी किधर है? तंग करता पे यार, उन्हें मेरे को पेमेंट पड़ी थी। पेमेंट पड़ी है? आपा को सारा मसला बता रहा, मेरे को पेमेंट पड़ी है। फोन कर रहा, फोन नहीं चुकता। फोन नहीं चुकता, घर ही होना है। हम्म, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करता हूँ सर। मैंने ना अपने साला साहब को भेजा है, वो दूर दुकान है एक नान चनों वाली, वहाँ से चने और नान लेने के लिए। तकरीबन पिछले 15 मिनट से वो जनाब वापस नहीं आए, पता नहीं चने बनाने लग गया शायद। इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा कर आया है? रास्ता। चलो जी, ये बकाया पैसे हैं। थैंक यू भाई। कितने की आई है चीजें? कितने बचे हैं पीछे? ये पैसे तो बचे हैं जी 1,080 रुपए, मतलब के 920 रुपए की। क्या बात है, चलो चलते हैं घर वापस और जाकर करते हैं जी नाश्ता। नाश्ता हो गया तेरा? चल बाइक निकाल और मेरे साथ आ जा, बिकॉज मैंने गाड़ी धुलवानी है। तो मैं गाड़ी धुलवाने के लिए वहाँ क्यों खड़ा रहूंगा, इसलिए बेहतर है कि तुझे साथ ले जाओ और तू मुझे गाड़ी वहाँ ड्रॉप करने के बाद पिक करके वापस घर ले आना, ठीक है? जब गाड़ी धुल जाएगी फिर वापस से हम लोग गाड़ी को लेने के लिए चले जाएंगे। ए मैडम, ए मैडम, ए मैडम, बाइक से उतर और भाई अपने को चाबी दे। इधर ने उतरना नहीं है अभी यार, देखा नहीं उतरना, नहीं ये देखना रोएगी वो। वो देखो उतरा यार, अच्छा वो देखो उसका मुंह बन गया। उतरा उतरा उसको दो यार, जल्दी जाना। नहीं भाई नहीं निकालनी, छोड़ दे। चल यार निकाल जल्दी से भाई, एजल को अंदर ले जाओ नहीं तो उसने रोना है। राजी गाड़ी मेरी फुल टना टन चमा चम कर देनी है। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। आधा घंटा पक्की बात है ना? और पॉलिश वॉलिश भी कर देनी, क्योंकि गंदी बहुत ज्यादा हुई हुई है, तकरीबन पिछले 9-10 दिनों से धुलवाई ही नहीं है। मैं आधे घंटे के बाद आ जा। सही है, चाबी शाबी भी अंदर ही पड़ी है, बल्कि मेरे हाथ में है चाबी यार। ये चाबी आप पकड़ लें, ये लें। चले आता हूँ मैं आधे घंटे के बाद। चल भाई अब दरवान चले अब घर वापस, मोड़ ले अपनी स्कूटी को। आज का व्लॉग जी बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, बिकॉज मेरे खुराफाती दिमाग में ना कल रात को एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया था अपने एक दोस्त को तंग करने के मुतालिक, और वो मेरा दोस्त है सलमान। आइए जरा पहले मेरी कल रात की चैट बुलाइदा फरमाता हूँ मैं आपको। मैं मैसेज करता हूँ जी सुबह के 3 बजे, भाई अब मतलब सो रहा है कि जाग रहा है? तो वो कहता है जी भाई मतलब कि जाग रहा होता है। मैं उसे कहता हूँ यार मुझे 5 लाख उधार चाहिए, शाम को वापस कर दूंगा, जरूरत है। वो कहता है 10 लाख मांग, मतलब मजाक कर रहा होता है, उसे शायद शुगर लग रही होती है मेरी बात। मैंने कहा हरामी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे 5 लाख की जरूरत है। कहता फिर भी 10 मांग। मैंने कहा यार एक पेमेंट करनी है, 5 लाख कम पटने हैं, तू दे सकता है? तो उसने कहा यार कोई मसला नहीं, मैं तुझे 10 नहीं 15 मांग दे सकता हूँ। मैंने कहा यार इसका मतलब 5 मिल जाएगा? तो वो कहता हाँ यार 5 मना करते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुझे अकाउंट शेयर करता हूँ, तू मुझे ना 5 लाख रुपया भेज दे मेरे अकाउंट में। फिर वो मुझे आके ये वॉइस नोट करता है, यार मैं तुझे 5 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ, लेकिन ना मैं गाड़ी का ना टोकन कर चुका हूँ, मैंने ना नई गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए ना मुझे कल पेमेंट करनी लाजमी है। तो तू फिर देख ले, तू मुझे अगर कल तक ट्रांसफर कर देगी वापस, ठीक है? क्योंकि मैंने उसे टोकन कर दिया तो पेमेंट करना लाजमी है, वरना मेरा टोकन जाया चला जाएगा। अच्छा, इस बात की मुझे ऑलरेडी खबर थी कि इसने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी और नई गाड़ी इसने आजकल में लेनी है, इसीलिए मैंने इसको तंग करने के मुतालिक प्लान बनाया रात में, और मैंने अभी इससे ना 5 लाख रुपया ट्रांसफर करवा लिया था रात के 3:15 बजे, और इसने मुझे ट्रांसफर भी कर दिया था। उस ट्रांसफर की आपको स्लिप्स भी अभी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। अब उस जनाब ने आज शाम को जाना है गाड़ी लेने के लिए, और मैंने उसको पैसे उसके वापस नहीं करने, टोकन शोकन मैंने कोशिश फुल कर
करनी है कि उसका जाया हो जाए, बिकॉज अगर उसका टोकन जाया होगा फिर वो खपेगा, आएगा, मुझे कॉल्स करेगा, मैसेजेस करेगा और मैंने उसका रिप्लाई नहीं करना, मतलब कि उधार उसको वापस देना ही नहीं है उसका, ऐसा जलील करना है, ऐसा जलील करना है, ऐसा जलील करना है, जैसे कि तुम लोगों ने भी अगर अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त अहबाब से उधार लेना हो ना वापस, तो वो आपको जलील करता है। हाँ जी उस्ताद जी, धुल गई है गाड़ी। वाह भाई वाह, आपने तो मेरी लाल परी को चमा चम कर दिया है। क्या बात है, अंदर से भी सही तरह से साफ सुथरी हो गई है ना। हाँ जी साफ सुथरी है, अच्छी तरह से हो गई है। बस पैसे बताएं ताकि मैं निकलूं। 3,000 जी मैं दे रहा, 2,500 रुपया उस्ताद जी मैं आपको दे रहा, ठीक है ना, हो गई है बात। चलो ठीक है मैं 3,000 ही भेजता। चलो जी बस निकलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ईद के दूसरे दिन जनाब मैंने और मेरी फैमिली ने मिलकर अपनी ईदी डोनेट कर दी थी फलस्तीन को, और उस फलस्तीन की डोनेशन के लिए मैंने जिस इदारे का इंतखाब किया था उस इदारे का नाम है अलखिदमत फाउंडेशन। और मेरी ना कल उस डोनेशन के रिलेटेड इसी इदारे से बात हुई थी कि मैं अपनी कुछ अमाउंट जो कि मैंने जमा शमा की हुई है फलस्तीन के लिए वो डोनेट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप आज 5 या 6 बजे तक हमारे ऑफिस आ जाइएगा, हम आपकी डोनेशन को कबूल कर लेंगे। तो अभी तकरीबन शाम के हो चुके हैं 5:30, मैं जाने लगा हूँ उसी इदारे में अपनी डोनेशन को डोनेट करने के लिए। और मजे की बात ये है कि शाम के 5 बजे मुझे जनाब सलमान साहब का मैसेज भी आ गया है, अस्सलाम वालेकुम यार जुल्कनैन, वो पैसे ट्रांसफर कर दे, मतलब के इसको अब जरूरत पड़ गई है पैसों की जो कि मैंने इससे रात में उधार लिए थे, अब इसने मुझे से वापस मांगने भी शुरू कर दिए हैं। और मैंने इसके मैसेज को सीन करके कोई रिप्लाई नहीं दिया, और स्टिल मैं यही करने वाला हूँ कि इसके जितने मैसेजेस आएंगे उनको इग्नोर करता जाऊंगा। सही, ये एरिया है, एक वो वाला एरिया है, हाँ, और एक वो बाहर। सही है, यानी कि प्रॉपर एक फैमिली टेंट ना। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने जो ईदी इकट्ठी की थी वो मैंने फलस्तीन के लिए डोनेट कर दी है, जो कि अमाउंट है 3,00,000 रुपए की। यार पहले तो ये फलस्तीन वाला मफलर चेक करो भाई का, बहुत स्वैगी लग रहा है और मैं बहुत ही प्राउडली इसको अपने गले में पहनकर भी घूम रहा हूँ। अभी ना ये मफलर मैंने मजीद मांगे थे अपने कुछ दोस्तों और भाइयों के लिए अलखिदमत वालों ने, तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा मफलर भी दे दिए हैं तोहफे में, प्लस उन्होंने मुझे तोहफे में माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान पाक भी दिया है, और साथ में अपना ये सालाना रसाला जो होता है ना ये भी गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच अलखिदमत फाउंडेशन। और मैंने सारा इनका हेड ऑफिस अंदर से विजिट किया, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत लोगों की खिदमत ये लोग कर रहे हैं, और अंदर प्रोफेशनली आपकी इमानत को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मैंने फलस्तीन को डोनेट किए जाने वाले टेंट जो होते हैं वो भी देखे हैं, प्लस जो राशन फलस्तीन के लिए पाकिस्तान से वहां भेजा जाता है वो भी देखा है, मतलब फुल ऑन मैंने अपनी तसल्ली की है। फिर उसके बाद मैंने 3,00,000 रुपया अपना डोनेट किया। लेकिन यार मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप भी अपनी अमाउंट फलस्तीन को डोनेट करना चाहते हैं तो इस इदारे से जरूर राब्ता कर लीजिएगा। अब आपका भाई चलता है घर की तरफ वापस, और हमारे जो सलमान साहब हैं उनके मैसेजेस चेक करो यार, मैसेज में मैसेज ये बंदा मुझे करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। इसके मैसेजेस देखो जरा यार जुल्कर, 6 बजे मैसेज आया, 6:02 पे मैसेज आया, 6:02 पे, फिर 6:02 पे ही, फिर 6:28 पे यार जुल्कर नैन भाई मैसेज कर रहे हैं, मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा इसको। अब बस तंग होने का सीन ऐसे ही इसके साथ मैं करता रहूंगा जब तक ये बंदा अक उक के ना मेरे घर नहीं आ जाता। लो जी अब सलमान साहब ने कॉल्स करना शुरू कर दी है, पहले एक कॉल आई है अभी दूसरी कॉल आई है, कॉल्स पे कॉल्स करता जा रहा है। आपने फैन ने ये लो आप फैन लो ऐसे ये लो जी ये बन गई है हमारी लड़की फलस्तीनी, अब ये पहन कर घूमना है ठीक है, उतारना नहीं है। बच्चा पार्टी किधर की तैयारी है, बड़े तैयार शैर होकर शू वगैरह पहन कर घूम फिर रहे हो? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो तो रो ना आज भी। किसका प्रैक्टिकल है सुबह? किसका? आयशा का। तुम्हारा? 10th क्लास का। तुम्हारे पेपर पूरे नहीं हुए अभी तक? तो प्रैक्टिकल पेपर्स के बाद होते हैं। तो वो भी पेपर्स में ही होता है प्रैक्टिकल, तो हाँ, तो उसको भी पेपर ही गिना जाता है। बेटा कितने रह गए हैं? 3। 3 सुबह पहला है। ओ मर गए भाई।
फिर तो जाना जरूरी है, लेकिन इसको जाने दो ना, तुम लोग तो रहो ना। मेरा भी सुबह प्री बोर्ड है, कॉलेज में प्री बोर्ड चल रहे हैं। आज भी तुम गई थी ना कॉलेज, इस बेचारी ने ना सुबह 6:30 बजे कमल की जान खाई हुई थी, कमल ने इसको रवाना किया है। फिर आते वक्त शायद तुम 11:30 आई हो ना, तब भी ये तुम्हारे लिए राइट साइड बुक कर रही थी, है ना। कैसा हुआ तुम्हारा आज का पेपर? किस चीज का था? इंग्लिश का। फर्स्ट ईयर है ना तुम्हारा? यार मुझे तो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बिल्कुल भी समझ नहीं आती, मैं पता नहीं कैसे पास पूस हो गया। सलमान तुम्हें कॉल कर रहे हैं? उसकी कॉल आई ना तो तुमने उठानी नहीं है। क्यों? समझ आई? बस नहीं उठानी, क्योंकि उसको मैं ना तंग कर रहा हूँ। मैंने उससे ना कल रात का 5 लाख रुपया उधार लिया हुआ, अब देना नहीं है उसको वापस, इसलिए वो मुझे भी कॉल्स कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बड़ी खरी खरी बातें सुना रहा है, लेकिन मैं भी उसको तंग करता जा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए थे? चाहिए नहीं थे यार, ये बस आज का मेरा व्लॉग ही ये है कि मैंने अपने एक दोस्त को तंग करना है, उसे उधार ले लेना उसको और वापस नहीं करना। बस पता नहीं इसको क्या जरूरत होगी, उसे पूछ लो एक दफा, कोई उससे ज्यादा जरूरत ना हो। जरूरत क्या है, उसने गाड़ी का टोकन दिया है, उसकी पेमेंट करनी है, बस ये जरूरत है। लेकिन दे दूंगा, मुझे उसके टाइम का पता है, 9 बजे तक का उसका टाइम है, और मुझे उम्मीद है कि वो उससे पहले पहले मेरे घर आ जाएगा। और जब वो घर आएगा ना, सब सुन लो, किसी ने नहीं कहना कि जुल्कर नैन घर है, समझ आई, सब ने कहना है कि जुल्कर नैन घर नहीं है, नहीं आया। जाओ देखना जरा कौन है। अबे बात सुनो, अगर सलमान हुआ ना तो कहना है जुल्कर नैन भाई घर नहीं है, समझ आई। कौन है वो? हमारे राइड वाला आया है। तुम लोगों ने राइड बुक कर दी थी? Yes. आ गया है वो। चलो फिर अपने बॉडी बिस्टर चको ते गड़ी बैठो फिर देख लो। थैंक यू सो मच फॉर बबल भाईजान। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। ओके जी ब्रो, अल्लाह हाफिज। तेरा दर्द खत्म हो गया है ना? जी जी, टेंशन तो नहीं है ब्रेकअप की? मजीद क्यों रुलाना चाह रहे हो उसको? नहीं रोता। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पैर से जाएं। मेरा दोस्त मैसेज कर कर के कमला हो गया, चेक करो अभी क्या मैसेजेस कर रहा है ये, मुझे सीट करता हूँ इसके मैसेजेस। पहले मैसेज है यार, अजीब बंदा है। हेलो भाई यार, मैं पेमेंट करनी है, तुझे कल कहा था। जुल्कर भाई यार पैसे वापस कर दे, मैंने पैसे वापस करने हैं पेमेंट। अच्छा यार जुल्कर, मैं गाड़ी की पेमेंट करनी है, टोकर क्या हुआ है मैंने मैसेज पे मैसेज बीच में ना कॉल्स भी कर रहा हूँ। फिर मैसेज आ गया जी, अफसरदगी वाला मैसेज आ गया। अभी बीच में कॉल भी इसकी मुझे आई है 7:30 बजे। अब ना शायद इसकी जो डेडलाइन इसने मुझे दी हुई थी ना 8-9 बजे की, वो करीब आ चुकी है ना, इसलिए ज्यादा मैसेजेस कर रहा है। रिप्लाई तो कर यार। नहीं करना रिप्लाई। ये क्या कर रहे हो आप? मेकअप? मुझे कह रही है जा 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 तू जा। हाँ जी क्यों आवाजें दे रही हो? नौ बज गए। फिर वो क्या करूँ मैं? नहीं तो यार तंग ही करते हैं, कोई मसला नहीं, कभी कभार दोस्तों को तंग करने का सीन बनता है, तो तंग करने दो मुझे। इसकी अगर गाड़ी छूट गई? नहीं छूटती, अगर छूटी तो मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि अगर वो बंदा इसको गाड़ी नहीं दे रहा होगा तो मैं खुद उसके पास चल के जाऊंगा, भाई मेरे भाई को गाड़ी दे दो, चाहे तुमने 20,000, 30,000, 40,000 ज्यादा लेना है वो ले लो। हाँ जी क्या हुआ है? वही ना उधर खड़ी हो गए, मेकअप कर रही थी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दे दो। सॉरी, लेकिन ये आपकी इस्तेमाल वाली चीज नहीं है। अच्छा चलो ये लो। रो नहीं। मैं आ गया हूँ जी सैलून, क्योंकि खदशत मेरा काफी ज्यादा पड़ा हुआ था, तो सोचा कि जाता हूँ और खदशत बनवा कर आता हूँ। और इधर अपने सलमान साहब, अब यार मैंने 1 घंटे का कहा है कि मैं 1 घंटे में पेमेंट कर देता हूँ, मुझे बता मैं क्या करूँ? और चेक करो अब गालियां देनी शुरू कर दी इसने, 20 रिप्लाई तो कर, फिर कॉल करता जा रहा है। यार क्या बकवास है, जितना ये इस वक्त मुझे गुस्से में लग रहा है ना, शायद इसके हाथों मेरी मौत भी हो सकती है।
चलें जी, खशियत मैंने करवा लिया है और अभी मुझे ना हमारे जुबैर भाई है ना, उनकी कॉल आई थी, कहते यार मेरी तरफ आना जरा। मैंने कहा क्यों, खैरियत है? कहते बस आना जल्दी जल्दी, एक काम है। अब फिर मैं उनकी तरफ जाता हूँ क्योंकि कोई इमरजेंसी ना हो उनको यार। और मेरा खत चेक किया तुम लोगों ने इस दफा वाले खत में, और लास्ट टाइम मतलब तकरीबन पिछले 2 सालों से जो मैं खत करवाता आ रहा हूँ उनमें क्या फर्क है जरा कॉमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तकरीबन 5 सेकंड का पॉज लेता हूँ। अब मैं बताऊं, फर्क सिर्फ ये है कि पहले मैं अपनी बियर्ड ना जरा हल्की करवा लेता, मतलब ज्यादा ट्रिमिंग करवा लेता था। इस दफा मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ना बालों को बड़ा बड़ा रखता हूँ, बिकॉज बियर्ड अगर आपकी भारी भारी सी होती है ना तो फेस भी थोड़ा भारी भारी लगता है। मैं जुबैर भाई के पास पहुंचा हूँ कि कोई इमरजेंसी काम होगा इनको, लेकिन ये जनाब गाड़ी में बैठकर मेरे ही घर तशरीफ लेकर आ चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने किसी दोस्तों के लिए अपार्टमेंट देखना है, तो मेरे साथ चल ताकि हम दोनों वो अपार्टमेंट देखकर आए। राइट, मैं आपके साथ ही चलता हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरी बूटी को अपार्टमेंट वगैरह लेने का मशवरा ना दें, क्योंकि मैं अपार्टमेंट खरीदने के हक में नहीं हूँ, मैं जमीन खरीदने के हक में हमेशा होता हूँ। बिकॉज जमीन की वैल्यू पूरी जिंदगी भर रहती है, अपार्टमेंट 100 साल बाद, 60 साल बाद या 70 साल बाद खत्म शतम हो जाता है। हाँ जी, किसने कहा? फिर तो कराची खत्म हो जाना चाहिए सारे तो यार। लेकिन नहीं, पंजाब वाले लोग नहीं अपार्टमेंट पर जाते। अपार्टमेंट सिस्टम शुरू हो गया है, लेकिन पता नहीं मुझे यार, नहीं वो सिक्योरिटी सी नहीं लगती अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। जिसने लेना है वो खुद ही जाके देख लेगा और फैसला कर लेगा। कोई नहीं लेना, जा उधर काम कर, तू जाके काम कर, समझ आई? तू मैं किसी बंदे का अगर मुंह लाल है तो ये अपना चपेड़े मार के करना शुरू कर देती है। मैं अल्लाह की कसम इसे 1 साल से कह रही हूं। नहीं कोई नहीं, लेकिन लेना सेना। जुबैर भाई उठो, चलिए असि वेखन, तुसी ना इतना बैठ के गलबात करया करो। उठो चलिए, उठो उठो उठो, ऐ कोई काम नहीं होना, ये काम नहीं होना, मैं बता रहा हूँ। आप आकर ना उसका माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। पैसे होता फैसला, कोई पैसे नहीं, पैसे मेरे है, पैसे मेरे है। वो पैसों से याद आया, सलमान साहब स्टिल खपने हैं मुझे कॉल्स कर करके। कमले हो रहे हैं, कौन मेरा खत कैसा हुआ यार, देखो ना। अच्छा हुआ, इवन हो गया बाल सारे, है ना। हाँ। और वैसे भी इस दफा तुमने मेरा चेंज देखा है? हाँ, कि मैंने बियर्ड हल्की नहीं करवाई, वजनी थोड़ी वजनी रखी है, ताकि भाई भी जरा ना बड़ी बड़ी उम्र का लगे यार, छोटी उम्र का नहीं लगना। 28 साल उम्र है और लगता मैं 22 साल का हूँ। अपनी तारीफ अपने ही मुँह और अपने मुँह मियाँ मिठू भी। अच्छा जी, ये जी वो अपार्टमेंट जिसकी के दोपहर भाई स्कीम बता रहे थे घर बैठ के, कमल ठीक है देख लिया, चले फिर अब वापस घर चलो। हाँ जी, नहीं पसंद आया ना अपार्टमेंट? अब ड्रामे बाद, वैसे भी इसके पास पैसे शैसे है कोई नहीं, ना मेरे पास पैसे शैसे है, ऐवी डॉक्टरी करने हम लोग चले गए थे। दरवाजा खोलो, ओए 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 ओए, हम लोग डॉक्टरी करने गए थे, कर रहे हैं डॉक्टरी, आ जाओ अब। ये कौन पहले देता जा रहा है? सलमान आ गए, कसम सलमान साहब आ गए, यही पहले दे रहा है तब से। और क्या कर रहा है, देखो खड़ा कर। तो जाओ जाकर खोलो तो सही ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक। आपा आप जाओ, आप जाओ और ये पूछेगा ना कि किधर है दुल्कनैन, आपने कहना है वो घर नहीं है। बल्ले देता जा रहा है, इसने कमला हो जाना, बल्ले दे दे कर, मैं ना ऊपर से इसको देखता हूँ, ठीक है? जुल्कर ऐसे ना करो, उसे पैसे वापस दे दो। दे दूंगा, अभी देकर भेजूंगा उसके पैसे वापस, लेकिन थोड़ा सा तंग तो कर लेने दो मजीद। चलो आपा, मैं अभी जा रहा हूँ छत पे। आपा दरवाजा खोलने लगी है, सलमान बाहर घूम रहा है। कवल आफी किधर है? तंग करता पे देख लियो आ रहा हूँ भाई, गुस्सा ना कर, आ रहा हूँ मैं यार, मैं पेमेंट करने
अच्छा आर्म आर्म देता हूँ तेरी पेमेंट वापस देता हूँ आर्म। नीचे जाना पड़ेगा बंदा काफी ज्यादा गुस्से में है। अस्सलाम मैंने कल कहा था ना कि मैंने पेमेंट करनी। हाँ तो क्या टाइम 10 बज गए ना। हाँ बज गए यार। उसका भी मैसेज आ जाना है कि यार मैं कैंसिल कर दूंगा। तो और क्या नहीं, मैंने तुझे इसीलिए कहा था 6 बजे का टाइम था, बल्कि 5 बजे का टाइम था। चलो कल तूने 8 बजे का ड्रामे बात। 5 बजे का उसने कहा था बैंक टाइमिंग से पहले करनी है। मैंने उसे कहा यार मैं तुझे ना 9 बजे तक कर देता हूँ, फिर मैं तुझे ट्रांसफर कर। ठंडा पिलाना ठंडा कर दूसरा। चल 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 चल। वो देखिए इधर भी रिक्वेस्ट कर रही है कि आ जाओ आ जाओ चाचू अंदर आ जाओ। चाचू को मैंने बहुत ज्यादा तंग किया है, तुझे मैंने बहुत ज्यादा तंग किया है। और मैंने तेरा व्लॉग भी बनाया है तंगी वाला, तुझे पता है मैंने बहुत तंग किया। तेरी कॉल नहीं उठाई, तेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। कमल को कह दिया कि इसको कोई रिप्लाई ना करना, इसकी कॉल ना उठाना। अगर ये घर आए तो इसको कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। कैसा लगा तुझे? मुझे कैसा लगा, मेरी गाड़ी कैंसिल हो गई है। वो चल ड्रामे ना, अल्लाह की कसम कैंसिल हो गई। 10 बजे मैंने उसे कहा था यार। नहीं वो देगा नहीं, नहीं देगा उसे, उसने मुझे कहा था कि मेरी बात करा, मैं उससे बात। और यार उसका मुझे मैसेज आया, अभी मैसेज आया कि भाई मैं आपकी गाड़ी जो है ना वो कैंसिल कर रहा हूं, तेरे पीछे गाड़ी है। वो तुझे स्मेल कर रहा है कि ये दुश्मन है कि दोस्त है। अगर तो दुश्मन है तो इसको काट लेता हूँ। मेरी बात करा, मैं तेरे साथ चलता हूं, कैंसिल नहीं होती है। वो मेरा भी दोस्त है, उसको कह देना गाड़ी है वो, उसे कह मैं आ रहा हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं। मैंने उसे कहा था मैं तुझे ट्रांसफर कर देता, उसने कहा मुझे कैश चाहिए था, वो तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि टाइम पे दे देना। अब उसे मैंने 1,00,000 रुपए का टोकन भी किया हुआ। अच्छा मैं तुझे अभी वापस कर देता हूं, टेंशन ना ले, ठीक है ना? चल हुन छड़ दे गुस्सा यार, छड़ दे हुन गुस्सा, छड़ दे हुन यार, छड़ दे गुस्सा। पैसों का मसला नहीं ना है यार। फिर किस चीज का मसला है? गाड़ी का मसला है। गाड़ी तुझे दिला के दूंगा मैं, टेंशन ना ले। पैसे लेकर जानी मेरे से, आ जा अंदर ड्राइंग रूम में बैठ, आ जा चल। शाबाश यार, ये तुझे मजाक लग रहा है ना? मैं तुझे कह भी रहा था उसने कैंसिल कर दी, ये खुद ही वॉइस नोट सुन ले। दिखा एक सेकंड। सामान देखो बाप के, वैसे उसने काफी वेट किया, इवन तो टाइम 4:30 का था, तो मेरे कहने उसने 10 बजे तक वेट किया, तो लेकिन अब उसने दूसरी पार्टी को पेमेंट पकड़ लिया, गाड़ी उसको दे दिया, तो सॉरी मेरी तरफ से। और वो गाना शाना वो कह रहा मैंने वापस नहीं देना, तो इसलिए सुना है। अब आप नहीं क्लेम कर सकते मुझे, 10:10 बयाना भी तेरा आया यार। तूने मजाक करना था तो मुझे पहले बता दे, मैं उसे बंदे को कह दूं यार के जो है वो मैं तुझे पेमेंट कर देता हूँ। तेरे बयाने के कितने पैसे दे बता यार? 1,00,000 रुपया उसे बयाना किया। चलो निकल जाके बयाना, 1,00,000 रुपया तूने कर दिया गाड़ी का। भाई 48,00,000 की गाड़ी थी, उसने कहा 1,00,000 रुपया बयाना कर। तू 1,00,000 बयाना कौन देता है? टोकन मनी सिर्फ 20-25,000 होता है। 20-25,000 तब होती है जब आपका डाउट हो। मुझे कन्फर्म था कि मैंने कल पेमेंट कर देनी है, मैंने तो कन्फर्म किया था उसे कि ये गाड़ी मैं ही लूंगा। मुझे क्या पता था तुम चुस मार दोगे बीच में। यार मेरी वजह से इसका बयाना जाया हो गया है। जाया नहीं, उसे कह ना बातचीत कर, वो वापस कर देगा। कर देने 1,00,000 रुपया फ्री था जिसमें। चल रोई ना है उन, टेंशन ना ले, रो ना यार। चल कोई मसला नहीं, तेरा बयाना है ना जो वो मैं तुझे अता कर देता हूँ, ठीक है? अगर मेरे इस मजाक की वजह से तेरा नुकसान हो गया तो उसका मैं जिम्मेदार होता हूँ, ठीक है? भाई तुम मुझे ना एक अच्छी गाड़ी, तूने मुझे 5 दिया था, मैं तुझे 6 वापस करता हूँ। ओ यार 6 का मसला नहीं है, तुम मुझे अच्छी गाड़ी ले दो बस। बस तू पहले कितने की ले रहा था? मैं 48,00,000 की ले रहा था। होंडा सिटी? होंडा सिटी नहीं थी, वो थी करोला थी। तूने मुझे बताया होंडा सिटी थी। यार इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो होंडा सिटी लेनी थी, वो करोला एक ले आया था, बहुत अच्छी गाड़ी थी। हाँ जी, वो मैंने 5,02,000 से उधार पकड़े, मैंने कहा मैं तुझे बाद में दे दूंगा। चल मैं तुझे 1,00,000 सस्ती गाड़ी दिलवा दूंगा, अगर वही गाड़ी तुझे इस प्राइस में मिल रही होगी ना जितनी तेरी रेंज है, फिर मैं 1,00,000 डाल दूंगा। अगर तुझे मैंने सस्ती दिलवा दी फिर मैं 1,00,000 नहीं डालूंगा। डन डन, ठीक है? लेकिन फिर भी यार अगेन सॉरी मेरा बच्चा, मेरे ब्लॉग के मजाक के चक्कर में तेरा 1,00,000 रुपया डूब गया। सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी मेरा बच्चा। पिछले ना 10 मिनट से मैं गर्मी में खप रही हूँ, मर रही हूँ, सड़ रही हूँ, और ये ट्राइपॉड पड़ा हुआ है। मैंने अपने शोहर साहब को ये कह दिया था कि प्लीज एक वीडियो बना दे, मैंने वीडियो देनी है, बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है, प्लीज 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 एक वीडियो बना दे। तो शोहर साहब ने मुझे 10 मिनट से यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, मतलब बैठी हुई हूँ यहाँ पे मैं, और वो अभी तक आए नहीं। जुल्कर ये देखो, अल्लाह माफ करे जुल्कर, क्या काम किया तुमने आज? यार काम कोई नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों जिस्म मेरा टूट रहा है। मेरा हाल देख रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे हाल? पसीने देख रहे हो?
पंखा बंद किया हुआ मैंने यार, वीडियो बनानी है पंखे के बगैर बनानी है। अच्छा, ऑलरेडी पंखे ने मेरी वीडियो खराब की जिसकी वजह से मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है। चलो लाओ फोन से दो बना देता हूँ। अपने फोन से बनाओ, मेरा फोन पंखा कम अज कम चलाओ, मच्छर तुम्हारे फेस पे भी घूम रहे हैं, मेरी शर्ट काली के साथ मच्छर ही मच्छर आ गए हैं। कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है बना देता हूँ। यार पता नहीं आज क्या आवाज आ रही मुझे हो रही है जी, जब से सलमान गया है ना तब से लेकर तकरीबन अभी 1.5 घंटा गुजर चुका है, मैं आवाजारी घूम रहा हूँ। सलमान के साथ गलत किया ना इस वजह से। ये भी शायद हो सकता है, लेकिन मेरा जिस्म टूट रहा है यार, या शायद जिस्म मेरा मांग रहा है नींद, या फिर कोई हैवी एनर्जेटिक चीज खाने को मांग रहा है। ओए भरा तुआटा वीडियो बना के हो चुके आए बिल्ला, ओए इस तो पहले के मेरी नींद मच्छर चेक करो किधर घूम रहा है, मच्छर चेक करो, इसको मैं मारूंगा, इसको मैं मारूंगा, इसको मैं मारूंगा, ये पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया एक मार तू इसको, मैं जरा मुट्ठी को दौड़ से बंद करके ना ये आए मार दिया मच्छर तुम्हारे ऊपर ही फेंक दिया मैंने, मार दिया मच्छर। हरामी साटा खून पीना है ऐसी, असी उदा खून निचोड़ते हैं। चले जी जनाब अपने भाई को दें अब आज के ब्लॉग से इजाजत, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन ताकि हर आने वाला नया ब्लॉग आपको घंटी बजाकर नोटिफिकेशन देता रहे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।